भाई 120 गई है बाइक पूरी, 120 तक जाती है, इतनी स्पीड काफ़ी है रॉयल एनफील्ड के लिए। 350 की बाइक यार रॉयल एनफील्ड जो बनाती है वो बनाती है लंबे सफ़र के लिए, ताकि हम उसको लंबा चला सके। ये बाइक बनी नहीं है भगाने के लिए, ये बाइक बस एक लंबे सफ़र के लिए बनी है। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे को कि आपको ये वाली हंटर पसंद है या फिर जो क्लासिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा आती थी। तो भाई इसकी स्टॉक साउंड कुछ ऐसी है भाई, बढ़िया आवाज़ है, साइलेंसर भी अच्छा है। तो भाई आप देख सकते हो मेरे दोस्त भी जा रहे हैं भाई, रास्ते में दोस्त मिल गए। तो भाई कहाँ जा रहे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो भाई आप लोगों को पता है अभी रॉयल एनफील्ड ने न्यू बाइक लॉन्च की है हंटर, रॉयल एनफील्ड की तरफ से बहुत बढ़िया बाइक लगी है अभी मेरे को, जो यंगस्टर है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बाइक है। 350 cc में आ रही है और भाई सिंगल सिलेंडर बाइक है। इसका जो लुक है ना वो इतना गजब लग रहा है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा गजब लगा भाई, क्लासिक से तो काफ़ी अच्छा है। तो भाई देख सकते हो आप डिस्क ब्रेक डुअल चैनल ABS है और भाई पीछे भी डिस्क ब्रेक है, बड़ा ज़बरदस्त शो कर बाकी अच्छे हैं। देखो भाई कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं, बाकी आपका लुक दिखा देते हैं पूरा बाइक का पीछे से। देखो भाई इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, अब आजकल कंपनियां दे रही है भाई, वो है चारों इंडिकेटर जलते हैं एक साथ। ये देखो भाई एक भी जला सकते हो आप, यहाँ से ये जल रहा और एक वो जल रहा उस साइड का, बाकी ये चारों जलाने तो ये वाला स्विच है ना, इसको दबा दो। आप देख सकते हो ये फ्यूल भी बता रही है, अभी इसमें 3 डंडे हैं, बाकी ये फ्यूल बताती है पूरे यहाँ से यहाँ तक कैसे फ्यूल बताती है। तो यार अभी तक की रॉयल एनफील्ड की मेरे को सबसे अच्छी बाइक ना ये लगी हंटर, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए। बाकी इसको आज चला के देखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कैसी है, और इसका एवरेज तो खैर इसका कंपनी जो बताती है वो है 36, और जो BHP है इसकी, BHP मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, वो है इसकी 20, और न्यूट्रल मीटर जो होता है NM वो है 27, टॉर्क जो प्रोड्यूस करती है 27 का प्रोड्यूस करती है भाई, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। बाकी हेलोजन लैंप्स हैं, हेड लैंप्स आप देख सकते हो, LED है नहीं इसमें, बाकी स्टार्ट होने के बाद ये भी जल जाएगा तो कोई बात नहीं, बाकी तो LED तो लग से भी लग जाती है अगर लगवाना चाहे तो, काफ़ी अच्छी बाइक है यंगस्टर के लिए। तो भाई एक बार इसके परफॉर्मेंस देख लेते हैं चला के, कितना मतलब पावर है बाइक के अंदर, कैसा फील आता है चलाने के बाद। तो चलो चलते हैं। ये बाइक मैंने एक्चुअली एक दोस्त से ली थी अपने, वो यहीं गांव के अंदर रहता है। बाकी आप अपनी बाइक भी देख सकते हो, मेरा दोस्त भी मेरे साथ है, वो शायद मेरे साथ पीछे चलेगा मेरे साथ साथ। और भाई अपनी बाइक की LED लाइट्स आप सभी को तो पता ही हैं। बाकी अपना चैनल है NS राइडिंग मोटर व्लॉग, सब्सक्राइब कर दो यार जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलो चलते हैं, राइड करते हैं स्टार्ट। तो भी हाईवे पर चलते हैं, हाईवे पर चढ़ने के बाद हम इसको खींचेंगे थोड़ा बाइक को। बाकी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है चलाने के बाद, पावर बहुत ज़्यादा, शायद वेट उससे कम है, जो क्लासिक आती है और स्टैंडर्ड आती है उससे काफ़ी कम है वेट इसका, लेकिन बाइक ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही अच्छी मतलब परफॉर्मेंस आ रही है चलाने के बाद। चलो थोड़ी बाइक खींचेंगे भी, देखेंगे कैसी चलती है। बाकी भाई यहाँ पर ले लेते हैं। तो अभी ये थर्ड गियर में है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर से। तो भाई पावर बहुत ज़्यादा बाइक में, एकदम से स्पीड पकड़ रही है, अभी 100 तक गई थी पूरी जब मैंने खींचा। भाई 120 गई है बाइक पूरी, 120 तक जाती है, इतनी स्पीड काफ़ी है रॉयल एनफील्ड के लिए। 350 cc की बाइक यार रॉयल एनफील्ड जो बनाती है वो बनाती है लंबे सफ़र के लिए, ताकि हम उसको लंबा चला सके। ये बाइक बनी नहीं है भगाने के लिए, ये बाइक बस एक लंबे सफ़र के लिए बनी है। अपने बाइक जो उसमें है थोड़ी वो रेसिंग स्पोर्ट्स लुक है उसका, थोड़ा वो भागने के हिसाब से बनी है, वो लंबे सफ़र के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उसको चलाने के बाद थोड़े रुकना पड़ेगा हमको। तो भाई काफ़ी अच्छी बाइक है,
और ये बाइक जो है ये बाइक भाई लंबे रूट के लिए कंफर्टेबल इतनी बढ़िया है, इनको कभी भी चला लो मतलब कितना भी लंबा चला लो थकोगे नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल बैठा हूँ मैं अभी, जैसे बैठा हूँ बिल्कुल कंफर्टेबल। और अपनी बाइक जो है वो थोड़ा थका देती है, उसके पीछे बैठने वाला बंदा भी थक जाता है भाई। देखो भाई परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है बाइक की। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे को कि आपको ये वाली हंटर पसंद है या फिर जो क्लासिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा आती थी, मतलब आती है इलेक्ट्रा तो शायद बंद हो गई है ना, ये आती है स्टैंडर्ड अभी, और क्लासिक भी चेंज कर दिया पहले से, लेकिन जो भी क्लासिक आ रही है वो थोड़ी अलग है, उसका थोड़ा लुक चेंज कर दिया है, वो मेरे को इतना खास ही नहीं लगा। लेकिन जब ये आई ना मैंने देखा, मैं एक बार तो हैरान रह गए कि है कौन सी बाइक, तो भाई पता करा कि ये तो रॉयल एनफील्ड की भी नई बाइक आई है हंटर। मेरे फ्रेंड ने भी ले ली, उसने खैर मेरे से पूछा भी था पहले, मैंने बाइक के बारे में देखा मेरे को अच्छी लगी काफ़ी, तो उसको मैंने बताया कि भाई ले ले आँख मीच के, क्योंकि उसको ऐसी बाइक चाहिए थी तो जो फैमिली मतलब फैमिली मेम्बर्स भी घूम सकें उस बाइक पर, जैसे अपनी मम्मी वगैरह होती हैं भाई स्पोर्ट्स बाइक पर कहाँ पसंद करती है चलना, आप सब समझ सकते हो जिनके पास स्पोर्ट्स बाइक होंगी सबको ताने मिलते होंगे सुनने को कि भाई ये बाइक ऐसी है वैसी है, मैं नहीं बैठ रही इस पर मेरा कैसे बैठूंगी, तो भाई इन बाइक पर आराम से बैठ सकते हैं, अपनी दादी दादा किसी को भी ले जा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई ये बाइक उसके लिए इसलिए मैंने रिकमेंड करी भाई, बढ़िया बाइक है ले लो आठ मीच के। और इसके ऊपर मैं एक रील भी बनाऊंगा भाई, आज रील भी बनाएंगे अपनी बाइक पर, मैं इस पर एक रील बनाऊंगा और अपनी बाइक पर भी एक रील बनाऊंगा, फिर उसको इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करूंगा। तो भाई इंस्टाग्राम पर अगर आपको रील देखने तो यार फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी नीचे आ रही है, फॉलो कर लो भाई अभी, कहीं भी जाकर और कोई भी क्वेरी हो भाई इंस्टाग्राम पर पूछ लो मुझसे आँख मीच के कोई भी, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूँगा। बाकी आप लोग कुछ भी ऐसा ट्राई मत कर रहा भाई, मैं सेफ एक नेशनल हाईवे पर आया हूँ जहाँ कुछ ही गाड़ियाँ जा रही हैं और एक खाली जगह पर आया हूँ, तो भाई ये बिल्कुल भी ट्राई मत कर रहा आप। तो गाइस देख सकते हो आप अंधेरा भी हो गया है काफ़ी, बाकी आप मुझे यार कमेंट करके बताओ, कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कि भाई आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी, ये वाली या फिर क्लासिक जो आती है वो वाली। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मस्त है भाई, एकदम एक नंबर बाइक है, गजब की बाइक है रॉयल एनफील्ड अपनी, बहुत बढ़िया बाइक बनाई है रॉयल एनफील्ड हंटर, ना मैंने किसी कंपनी से कोई वो दिया है, कभी आप सोचो कि भाई मैं कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि बाइक चलती कैसी है, आप ले सकते हो अगर आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक पसंद है और आपको मन है ये लेने का, अगर आपने देखी हो तो भाई आप ले सकते हो, आपकी मिचके बढ़िया बाइक है, मुझे अच्छी लगी रॉयल एनफील्ड के अभी तक की सबसे फेवरेट मेरी अब यही है, लेकिन भाई मुझे स्पोर्ट्स बाइक ही पसंद है, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी स्पोर्ट्स बाइक रहेंगी, उसके बाद है ये। और एक बात और, मेरे को नेक्ड बाइक भी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैं चला लेता हूँ, पसंद मेरे को वही वाली है जैसी मेरी है। बाकी यार अपनी ड्रीम बाइक तो आपको पता ही होगी, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और देखो पता चल जाएगी खुद। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे दोस्त भी जा रहे हैं भाई, रास्ते में दोस्त मिल गए। भाई कहाँ जा रहे हो? बढ़िया भाई बढ़िया, कहाँ जा रहे हो? नाइस भाई, कैसी लग रही भाई? तो भाई देख सकते हो आप, दोस्त भी बोल रहे हैं पहली बार देखिए भाई, बढ़िया बता रहे हैं, हंटर है पता? हाँ हंटर अभी आई है, बढ़िया 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 लग रही है भाई, देख लो एक्सीलेटर देखा, दिखाओ एक्सीलेटर। तो भाई दोस्त बोल रहे थे एक बार भरा के दिखाओ, तो देखो खींचा मार के दिखाया हमने थोड़ा, बाकी बाइक का पिकअप भी एकदम हाई है। सही है, तेरी वाली बाइक ज्यादा बढ़िया
वो तो अपनी अलग भाई। तो भाई दोस्त बोल रहे हैं मेरी वाली अलग ज़्यादा बढ़िया। तो भाई अपनी बाइक की बात अलग है, अपनी बाइक गेरी, ये बाइक की बात अलग है भाई। दोनों अलग अलग बाइक हैं, अच्छी बाइक है भाई दोनों। तो एक बार चलो इसकी स्टॉक साउंड सुना देते हैं आपको, यहाँ सुना देते हैं एक बार आपको इसकी स्टॉक साउंड। तो भाई इसकी स्टॉक साउंड कुछ ऐसी है भाई, बढ़िया आवाज है, साइलेंसर भी अच्छा है, कंपनी अच्छी आवाज़ दे भाई, कंपनी ने जो दे दिया दे दिया। इनमें तो मज़ा ही नहीं है बाइक की आवाज़ का, बुलेट बुलेट की अलग आवाज़ है ना भाई। स्टॉक का जो मज़ा है, स्टॉक एग्जॉस्ट जो होते हैं एग्जॉस्ट, वो एग्जॉस्ट का जो मज़ा है भाई वो तो अपनी इन्हीं बाइकों में है। फोर सिलेंडर, इन लाइन फोर सिलेंडर बाइक्स, स्टार्टिंग थर्ड सिलेंडर से, थर्ड सिलेंडर में भी आवाज़ अच्छी आती है, बाकी फोर सिलेंडर की तो बात ही अलग है भाई। स्टॉक एग्जॉस्ट में खतरनाक आवाज़ है। तो गाइस मैं आज का व्लॉग अभी एंड करता हूँ भाई। कैसी लगी आपको बाकी बाइक, बाइक की परफॉर्मेंस, बाइक की स्पीड भी देखी होगी आपने कितनी गई आज, 120 चली गई थी भाई। अभी नई बाइक है, अभी तो 580 चली है, आप देख सकते हो 584 दिखा रहे हैं मीटर में, 584 चली है अभी बाइक, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है बाइक की। और एवरेज भी इसका काफ़ी ठीक है, मतलब 350 सीसी में अच्छा खासा एवरेज देती है। कंपनी जो बताती है, रिकमेंड करती है, वो 36 बताती है, लेकिन जो एवरेज देती है वो देती है 28 ही देती होगी, 32 दे देगी अगर अच्छा चलाएंगे। लेकिन हम यंगस्टर से कहाँ इतना 32 निकलता है भाई, कहाँ हम तो खींच के भगाना अपना चलाना, 28 ही चलाते हैं ना। तो ठीक है, अच्छी बाइक है भाई, अच्छा एवरेज। बाकी BHP 20 और न्यूटन मीटर टॉर्क जो होता है वो होता है भाई इसमें 27 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो बाकी कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट जरूर करना मेरे को, कमेंट करके बताना आपको कौन सी रॉयल एनफील्ड की बाइक पसंद है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में यार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना यार सभी, बाय बाय, टेक केयर। Now I'm the only one. Only